तो वही राजधानी लखनऊ के हज हाउस में एचएल द्वारा तैयार कोविड अस्पताल संचालन के लिए तैयार हो गया है। रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह मंगलवार को इस अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। 255 बेड की क्षमता वाले कोविड अस्पताल का राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने उद्घाटन किया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार की सराहना की और कोरोना काल में सीएम योगी द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जमकर तारीफ की। एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहां पर तैयार हुआ। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने डीआरडीओ का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहां पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर एचएफएनसी यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। खामियां किसी से भी हो सकती है, जो करेगा उसी से कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आलोचना और प्रत्यालोचना का समय नहीं है। यदि कहीं पर किसी को कोई कमी दिखाई देती है, यदि वो अपना सुझाव देता है, तो मैं समझता हूं प्रदेश सरकार भी स्वागत करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 500 बेड का डीआरडीओ की मदद से एक हॉस्पिटल अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ किया था। कल ही वाराणसी में 750 बेड का एक हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 स्तर का कोविड हॉस्पिटल वाराणसी में प्रारंभ हुआ है और आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एचएएल की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, ये कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे